आज के जमाने में इंग्लिश सबको चाहिए, जो स्कूल जा रहा है या जो स्कूल नहीं जा रहा है, जो कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है और जिसने कॉलेज देखा भी नहीं है, जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं या जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं या जो लोग बिजनेस करने के लिए सोच रहे हैं, घर पे बैठे हुए हाउसवाइफ से, उनको भी इंग्लिश चाहिए। हमारे दादा दादी नाना नानी वो भी रेस से नहीं निकल रहे हैं, सबको इंग्लिश चाहिए, सब लोग पास एक रेस में पड़े हैं, कैसे भी करके मुंह से इंग्लिश निकलना चाहिए। मार्केट में बहुत सारे इंग्लिश स्पीकिंग बुक मिलता है, सीडी डीवीडी यूट्यूब चैनल पे फ्री वीडियोस भी मिल जाता है और इंग्लिश स्पीकिंग इंस्टीट्यूट भी बहुत सारा खुला हुआ है। हम लोग बहुत सारे बुक खरीद लेते हैं और कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हैं, फिर भी इंग्लिश नहीं होता है, फिर भी हम लोग इंग्लिश में फ्लुएंटली बात नहीं कर पाते, हम लोग बहुत डिसेटिस्फाइड हैं अपना परफॉर्मेंस से। मगर क्यों? आपने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके 15-20 दिन क्लास कर लिया, एक इंग्लिश स्पीकिंग का बुक मार्केट से खरीद के एक हफ्ता पढ़ लिया या 2-4 वीडियोज आपने यूट्यूब चैनल से देख लिया, बस आपका इंग्लिश हो जाएगा। आपको जुकाम या बुखार हुआ है और वो ठीक हो ही नहीं रहा है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर पहले क्या ढूंढेगा आपको जुकाम या बुखार क्यों हो रहा है, उसका रीजन क्या है, उसका कॉज क्या है, तो आपका डिजीज क्या कॉज क्या है वो पहले ढूंढेगा। सिमिलरली यहाँ पे आप इंग्लिश में बात नहीं कर पाते हो, आपने इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया, आपने बहुत सारा बुक खरीद लिया, आपने बहुत सारा वीडियोज भी देख लिया, फिर भी आपका इंग्लिश नहीं हो रहा है, तो आपको पहले ढूंढना पड़ेगा रीजन क्या है, इसका कॉज क्या है, इसका प्रॉब्लम किधर है, आप में प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से इंग्लिश नहीं हो रहा है, उसको पहले ढूंढना है। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे क्या कॉज क्या रीजन है जिसकी वजह से हम इंग्लिश में बात नहीं कर पाते, ये कॉज या रीजन पहले मिल जाए बस इसको सॉल्व करना है और आपका इंग्लिश अपने आप, यू डोंट वांट इट एनफ। इसका मतलब क्या है, बहुत सारे लोग आते हैं इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन करने के लिए एंड दे से दे रियली 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 वांट टू लर्न इंग्लिश, हाँ वो लोग क्लासेस ज्वाइन भी कर लेते हैं, सो फॉर फर्स्ट वीक समटाइम्स इवन फॉर फर्स्ट मंथ they attend all the classes regularly and do all the activities, but suddenly all the eagerness to learn, excitement, desire disappears. वो लोग सोच रहे थे कि यार मैंने जो इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन कर लिया इससे अच्छा होता ये पैसा मैं कोई दोस्त के साथ जाके मूवी देख लेता या खाना वाना खा लेता। इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज कैन बी लर्न इन जस्ट वन क्लास वन वीक और वन मंथ, इट टेक्स टाइम एंड फोकस। आपको मिनिमम 2-3 घंटा रेगुलरली 3-4 महीना देना पड़ेगा, इट्स ए वर्क और करियर ऑब्लिगेशन। अब इसका मतलब क्या है, जॉब कर रहे हैं तो आजकल इंग्लिश का डिमांड थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा है, कोई कस्टमर है या कोई क्लाइंट है या कोई सेमिनार या प्रेजेंटेशन देना है जिसके लिए आपको इंग्लिश सीखना है, या आपका कोई इंटरव्यू है आगे, इंटरव्यू में इंग्लिश बोलना पड़ेगा उसके लिए इंग्लिश सीखना है, आपका पर्पस आपका जॉब या आपका करियर हुआ ना तो इंग्लिश सीखना बहुत टफ हो जाएगा, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू बी मोटिवेटेड टू लर्न। अभी आपको इंग्लिश सीखने का बेनिफिट्स ढूंढना है, जरूरी नहीं है आपका जॉब में ओनली इंग्लिश चाहिए या आपका इंटरव्यू में ओनली इंग्लिश चाहिए, इसके बाद भी इंग्लिश चाहिए आपको, बिकॉज इंग्लिश इज ए ग्लोबल लैंग्वेज नाउ, आपको इंग्लिश हर जगह चाहिए, तभी जाके ये चीज को आपके मन में डालना पड़ेगा, तभी जाके आप इंग्लिश सीख पाओगे। यू हैव टू मेक इट हैबिचुअल। अभी किसी भी चीज में आपको अच्छा बनना है तो उस चीज को आपको रेगुलर करना पड़ेगा ताकि वो आपका हैबिट बन जाए। एक हफ्ता दो हफ्ता या एक दिन प्रैक्टिस करने से इंग्लिश नहीं होगा, आपको रोज एटलीस्ट 15-20 मिनट्स बियॉन्ड क्लासरूम को छोड़ के 15-20 मिनट तो आधा घंटा हो आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना। आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, आप हॉलीवुड मूवीज देख सकते हैं, आप लाउडली कोई भी आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, आपको इसको रेगुलरली करना पड़ेगा ताकि ये चीज आपका हैबिट में कन्वर्ट हो जाए, तभी जगह आपका इंग्लिश हो सकता है। यू हैव टू बी अकाउंटेबल। अभी बहुत सारे लोग जनरली बोलते हैं सर मैं बहुत बिजी था सर, प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं मिला, कल ऑफिस में बहुत सारा काम था सर,
घर पे मेरा बहुत प्रॉब्लम था सर। अभी आप तो अपना फेसबुक चेक करते हो, व्हाट्सएप चेक करते हो, गाना सुन लेते हो घर पे, यूट्यूब वीडियोस देखते हो, अभी उसके लिए तो टाइम है। अभी आपको 5 से 10 मिनट या 15 मिनट आपका खुद के लिए निकालने के लिए आपको टाइम नहीं है। आप इंग्लिश क्या आप और किसी के लिए सीख रहे हैं? आप खुद के लिए सीख रहे हैं ना। सो यू वांट टू डेवलप योर ओन सेल्फ, आप खुद के लिए टाइम नहीं दे रहे हैं। हाँ ऑफिस तो रहेगा ही सर, क्लासेस रहेगा, ऑफिस रहेगा, घर वाले रहेंगे, सबको टाइम दे रहे हैं, लेकिन आप खुद के लिए नहीं दे रहे हैं। आप जितना भी एक्सक्यूजेस देंगे, सर मुझे टाइम नहीं हुआ प्रैक्टिस करने के लिए, लॉस किसका हो रहा है? आपका हो रहा है ना। यू थिंक टीचर इज सॉर्ट ऑफ ए मैजिशियन। आपने क्लास ज्वाइन कर लिया, आपने मन में सोच लिया कि बस क्लास में ज्वाइन कर लिया मतलब इंग्लिश हो जाएगा। वो जो टीचर पढ़ा रहे, जो ट्रेनर पढ़ा रहे, उनको कुछ मैजिक आता है। उन्होंने एक टैबलेट बनाया है इंग्लिश का टैबलेट, आप जैसे ही पहुंचते हो वो आपको टैबलेट दे देते हैं, आप खा लेते हो, बस तबीयत ठीक ठाक, आप इंग्लिश बोलने लगते हो। बस जैसे ही खा के रात को सो गए, ऐसा होना चाहिए कि पूरा सुबह सुबह जैसे कि ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, ब्रिटेन से, ऐसे इंग्लिश मुंह से निकलना चाहिए। ये गलत बात है, ऐसे कुछ नहीं होता है। टीचर जो पढ़ाता है उसको कोई मैजिक मालूम नहीं है और आपको कोई टैबलेट वो देने वाला नहीं है। हाँ वो आपको बस बताने वाला है कि ऐसे करने से आपका इंग्लिश हो जाएगा, करना आपको पड़ेगा। और इंग्लिश सीखना कोई मैजिक नहीं है, बस आपको एफर्ट देना है, आपको डेडिकेशन देना है, आपको डिवोशन देना है, आपको रीच को प्रैक्टिस करना पड़ेगा रोज। और वो चीज़ आप रेगुलरली करते रहेंगे, आप जो भी इंस्ट्रक्शन टीचर या ट्रेनर देते हैं आप उसको फॉलो करते रहेंगे, तो इंग्लिश अपनी आप हो जाएगा। सो दोस्तों मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया कि क्या कॉज है, क्या रीज़न है जिसकी वजह से हम इंग्लिश फ्लुएंटली बात नहीं कर पाते। तो आज हम लोगों ने जो पॉइंट डिस्कस किया, आप ये सारा पॉइंट को अच्छी तरह से सोच के, आपके मन में कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी डाउट है, तो उसी हिसाब से आप इसको सॉल्व करके जो भी टीचर या ट्रेनर आपको गाइड करता है उसी रास्ते पे जाने से इंग्लिश आप जरूर बोल सकते हैं, इंग्लिश फ्लुएंटली आप जरूर बात कर सकते हैं। कहीं पे आपको डर नहीं लगेगा, कहीं पे आपका मन में कोई शंका नहीं होगा और आप एक बेस्ट फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं। सो थैंक यू एवरी वन वॉचिंग द लेसन। If you like the video, please subscribe our channel and don't forget to click the bell icon so that you'll get notification for the upcoming videos.